की जय श्रीनिजानन्दस्वामी की श्रीप्राणनाथ प्यारे की जय जाके के असल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की प्रसंग चल रहा है कि सामान्य लोग भी स्वर्ग वैकुंठ के सुखों के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं परमात्माएं होंगे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को यादन क्यों नहीं करेगी उनके चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित क्यों नहीं करेगी वो बताना चाह रहे हैं मल मलकुत वैकुंठ वास्ते दोनी भैरव झपावत तो और वैकुंठ एक ही चीज है इसके लिए अनेक लोग दुनिया में भैरव झाप बोलते हैं गिरनार से छलांग लगाने का ऐसा भी करते हैं तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ ही तो ब्रह्मात्माओं को तो परम सुख का मौका मिला है तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को क्यों छोड़ेंगे जाके असलाह का है जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनिया हिम में गलत मलकुत अथवा बैकुंठ उसके लिए दुनिया उसमें हिम में जा कर के वहाँ तप करती कई लोग वहाँ जा कर के तप करने वाले हुए और उनका शरीर वहीं पर गल गया वहीं हिमालय में भी हिमालय में हिम में ही उन्होंने अपने शरीर को गला दिया तो इस तरह से वो छोटे सुख के लिए भी समर्पित करते हैं तो ब्रह्मात्माओं को तो बहुत बड़ा सुख मिला है तो वो ऐसे ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल का सुख मिल रहा है तो उसको कैसे छोड़ेंगी तो रोए हक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक निश्वत ऐसी ब्रह्मात्माए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल के सुख को कैसे छोड़ सकती है और इलाज जो कई करो पर पावे न बिना किस्मत अनेकों उपाय लोग क्यों न करें किंतु जिनके भाग्य में ये चरण कमल है, उनको ही मिलते हैं दूसरों को नहीं मिलते भाग्य के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकते सुहक कदम ताले में मोमिन तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल हैं ये ब्रह्मात्माओं के भाग्य में है जाकि असल है कनिष्वत उनका ही असल संबंध पूर्ण ब्रह्म से इद ए बिना मोमिन कदम न पाई ब्रह्मात्माओं के बिना इन चरण कमल को पाया नहीं जा सकता जो करे कोई को कई कोट मेहनत ऐसे कितने ही प्रकार के श्रम कर लें परिश्रम करने लोग फिर भी कितना तप करेंगे कुछ करेंगे तो इसमें लोग बहुत कुछ कर लें फिर भी तो पूर्ण ब्रह्म को ऐसे पाया नहीं जा सकता ये मोमिन अरश अजिम की जाके हक निस्वत है तो ये ब्रह्मा आत्माएं तो परम धाम की हैं और उनका इस संबंध पूर्ण ब्रह्म से है रोहे अर्श की कहे वेद कते बिना कुंजी क्यों न पाईयत वैदिक ग्रंथ अथवा कथे ग्रंथों में ऐसी आत्माओं को परमधाम की आत्माएं ऐसा कहा गया है किंतु बिना कुंजी क्यों न पाई हत अब ग्रंथ वही हैं जिनको तारतम ज्ञान की कुंजी मिली है वो उनमें से ब्रह्म आत्माओं की बात निकाल लेते हैं पूर्ण ब्रह्म की निकालेंगे परमधाम की बात निकालेंगे बाकी हर किसी को पता भी नहीं चलता है वही ग्रंथ है वही श्लोक है वही प्रसंग है हर किसी को ये पता नहीं चल रहा सो बेशक करी जाके की असलह का निस्वत ऐसी ब्रह्मात्माओं को तारतम ज्ञान रूपी कुंजी देकर के सबको संदेह रहित बनाने का कार्य तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने किया है हक कदम दिल ओमिन देख देख रूह भी जत के हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल है उन चरण कमल को देख देख करके ब्रह्मा उनके दर्शन करते हुए आत्माएं गलित हो जाती है द्रवित हो जाती है तो उसी में मस्त हो जाती है उनको बड़ा आनंद आता है तो उसका स्मरण करती रहती है ये कहने का तात्पर्य एक पाँव पल ना छोड़ ही जाके असल है एक पाँव पल के लिए भी वे इन चरणों को नहीं छोड़ सकती है क्योंकि इनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है एक कदम और दिल लिए के देह झूठी उड़ावत इन चरण कमलों को हृदय में ग्रहण करके परमात्माएं आवश्यकता पड़ने पर शरीर को भी निछावर कर देती है कोई दिन रखे वास्ते लज्जत कुछ समय शरीर को टिका कर रखती है तो भी वो दुनिया में रहते हुए कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए और कैसे आनंद लेना चाहिए उस स्वाद के लिए शरीर को टिकाती है जाके असलह कनिष्वता उनका ही संबंध पूर्ण ब्रह्म से है मोह आय आरस से धोनी क्या जाने ये गत तो ब्रह्मात्मा है तो परमधाम से है उनका अवतरण परमधाम से हुआ है तो दुनिया के लोग इस गति को कैसे जान पाएंगे तो ये तो परागति है ना शास्व श्रेष्ठ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हर कोई जान नहीं पाता है दुनिया के लोग कैसे समझ सकते हैं एक कदम ताल ब्रह्म सृष्टि के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को अंकित करने का सौभाग्य अपने हृदय में वो ब्रह्मात्माओं को ही प्राप्त है जाके असलाह का निश्वत उनका इस संबंध पूर्ण ब्रह्म से रुँ खाना पीना रोजा सेजदा इन कदमों हज जारत तो ब्रह्मा आत्माओं का खान पान आहार विहार ये सब रोजा उनका व्रत वगैरह सेजदा नमन वगैरह इन कदमों हज जारत है। जिसके लिए कथित ग्रंथों में ये सब बताया गया है तो हज जारत हज कहते हैं तीर्थ यात्रा को और जारत दर्शन करना तो इस प्रकार के ये जो भी नियम वगैरह बताए गए हैं ये ये करना चाहिए तो ये सब ब्रह्मात्माओं का ब्रह्मात्माओं का तो रोज ही ऐसे ही होता रहता है इन चरण कमलों के साथ में वो रहती है तो उनका व्रत भी वही है और उनका रोज़ा भी वही है उनका नमन भी वही है और उनकी यात्रा दर्शन ये सब उसी में आ जाते हैं तो उनको उसके अतिरिक्त तो कुछ किसी की जरूरत ही नहीं है और चौदह तबक उड़ा वहीं जाकि असल है तो इन चरण कमलों के समक्ष तो उनको चौदह लोक का साम्राज्य है वो भी तुच्छ लगता है तो उसको भी वैसे उड़ा देती है ए चरण पहचान हो ये इन चरणों के पहचान ब्रह्मात्माओं को है वाही को प्यारे लगता उनको ही ये चरण प्रिय लगते हैं ना तो बुरा न चाहे कोई आप को अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपना बुरा हो ऐसा तो नहीं चाहते हैं पर क्या करें बिना हक निश्वत किंतु क्या करें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संबंध हो तो उनको ही ये सब मौका प्राप्त होता है बाकी तो ऐसा मौका किसी को प्राप्त नहीं होता है पाए बिछुरे पीऊ परदेश में बीच हक न डारे हरकत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल इस परदेश में माया में आने पर ब्रह्मात्माओं को एक, एक बार एक बार वो भुला दिए बीच हक न डारे हरकत वैसे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनको इस माया में डालते नहीं ऐसा प्रयत्न ही नहीं करते किंतु हरकत का तात्पर्य चेष्टा करना तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको माया में डालने का विचार ही नहीं करते कहने का तात्पर्य यह है किंतु एक अरे इश्क परीक्षा वास्ते प्रेम की परीक्षा के लिए ऐसा किया है उनको माया में डाला प्रेम की परीक्षा के लिए पर ना छूटे यहा तो कितनी भी परीक्षा हो किंतु इन ब्रह्मात्माओं से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संबंध तो नहीं छूटने वाला है वो कभी भी जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा तो उनके तर, परमात्मा के तरफ ही वो दौड़ेंगी जिन परदेश में पाँव पकड़े ज्यों बिछुरे आए मिलत जैसे परदेश में आने पर मतलब माया में दृष्टि पड़ने पर उनको एक बार तो धाम धनी के चरणों से दूर होने का अनुभव हुआ फिर जैसे उनके चरण कमल मिले तो ऐसा लगा कि बिछुड़े हुए प्राप्त हुए हैं ज्यों बिछुड़े आए मिलत बिछुड़े हुए कोई बिछुड़ गए हों और आकर के मिले तो फिर अचानक आ जाए तो कोई भी सोचते हैं कि चलो ये दोबारा चले न जाए ऐसा करके उनके निगरानी रखते हैं इस प्रकार से तो सो मोहमी न छोड़े क्यों कदमों तो ब्रह्मात्माएं भी इन चरणों को क्यों छोड़ेगी जाके का निश्वत जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है जो बिछुड़ के आए मिले सो पलक ना छोड़ सकत जो बिछुड़ करके मिल जाते हैं तो एक पलक के लिए भी छूटते नहीं है शो रोहे पाए चरण तो पियो के वो ब्रह्मात्माएं ब्रह्मत्मा ने तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण प्राप्त किए हैं तो इसलिए जाके असल है क्वरत उनका ही संबंध पूर्ण ब्रह्म से है इसलिए उनसे तो ये चरण कमल छुटने वाले नहीं है कहने का ये तात्पर्य है शब्द न पहुंचे त्रिलोक का इन तीन लोगों का तात्पर्य चौदह लोग हैं स्वर्ग मृत्यु पाताल करने से पूरा ब्रह्मांड ही आ गया तो यहाँ का शब्द परमधाम तक तो नहीं पहुँचता है सो दिल मोमिन अर्श कहावत जिस परमधाम तक दुनिया का एक शब्द भी नहीं पहुँचता है ऐसे परमधाम को कह दिया ब्रह्मात्माओं के हृदय इन कदमों बढ़ाई दिल को दई इन कदमों बढ़ाई दिल को दई इन्हीं चरण कमल ने दिल को इतना महत्व प्रदान किया है ब्रह्मात्माओं के हृदय को जाके असल कनिष्वत इन ब्रह्मात्माओं का असल संबंध पूर्ण ब्रह्म से ही है दिल मोमिन यही पहचान इन ब्रह्मात्माओं की पहचानी यह है कि इनका हृदय परम इन इन ब्रह्मात्माओं के हृदय की पहचानी यही है कि दिल कदम छोड़ न चलत तो इनका इनका दिल है एक क्षण के लिए भी चरण कमल को छोड़ता नहीं है पूर्ण ब्रह्म के तो पाई अरस तभी उनको परम धाम की समझ प्राप्त हुई है जो थी असल किस्वत जो पहले से ही जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से रहा है एक कदम नूर जमाल के आई दिल मोमिन लज्जत ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल है जो ब्रह्मात्माओं के हृदय में स्थापित हुए तो उनको इनको प्राप्त करने का लाभ मिला सो so, मोमिन अरवा अर के जाके असल कनिष्व ये ब्रह्मात्माएं तो सचमुच परमधाम की है और इनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से ही है ये चरण दिल का जीवन है जीव लिखा है वैसे जीवन होना चाहिए ये चरण है ना दिल के जीवन है दिल इसी से जीवित है तिन बिना जीव क्यों जीवता उनके बिना जीव कैसे जीवित रह सकेगा तो हक अरस या दिल को तो परमधाम को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही इन परमात्माओं के हृदय को अपना धाम बताया है जो असल हक अनिस्वता जो सचमुच पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का असली संबंध इन परमात्माओं से है जो निश्वती दिल के में जरा न तफावत परम धाम के संबंधी आत्मा होंगी और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमा के चरण उनमें कोई अंतर नहीं है तामे जरा न तफावत उनमें कोई अंतर नहीं है एक कदम रूहे लाई दुनि में ऐसे चरण कमल को दुनिया में आकर के बताने का कार्य ब्रह्मात्माओं ने किया है जाकी असल हक का संबंध पूर्ण ब्रह्म से हक जाहिर बीच दूनी के रूहें समझ के समझावत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में प्रकट हुए कहने का तात्पर्य लोगों को पूर्ण ब्रह्म के विषय में ख्याल हुआ ज्ञान हुआ तो रूहें समझ के समझाओ तो उनके विषय में परमात्मा ही समझ करके समझाती है पूर्ण ब्रह्म इस प्रकार प्रकट हुए हैं कह करके पहले ही समझती है फिर समझाती है, है दूसरों को हुआ फुरमाया रसुल का रसुल ने इस प्रकार की बातें की थी वो बात यहाँ सत्य सिद्ध हुई है तो मुसलमानों को समझाने के लिए कह रहे हैं तुम इस बात को समझ लो तो जायिर हुई यहाँ है, है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संबंध जिसके साथ में ऐसी आत्माएं प्रकट हुई है उनको पहचान लो चौदह तबका का ऋषि कायम इनके द्वारा ही चौदह लोक अखंड होने वाला है ये जो झूठे खाकी बुत देखने में इनका शरीर झूठा नश्वर शरीर इन्होंने धारण किया किंतु इनके अंदर चेतना है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंधित है मोहमिन बरकत इन कदमों ब्रह्मात्माओं को इतनी क्षमता प्राप्त हुई तो ये इन चरण कमल से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल से ही ब्रह्मात्माओं को ये सामर्थ्य प्राप्त हुआ है बरकत का तात्पर्य क्षमता सामर्थ्य शक्ति जाकि असलहक निश्वत है जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है सबों विस्ता दे घरों आवश्य रुहे कदम ग्रहे बड़ी मत सबको मुक्ति स्थलों का सुख प्रदान करके ब्रह्मात्मा अपने धाम में जागृत होंगे क्योंकि उन्होंने रोए कदम ग्रहे बड़ी मत उन्होंने बड़ी मत का तात्पर्य बड़ी समझदारी ऐसे वो बड़ी मत वाले हैं बड़ी मत के धनी कहने से तो ये बड़ी मत बड़ी समझ है तो बड़ी समझ किसकी होती है उसके लिए प्रकाश ग्रंथ में कहा है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं वही बड़ी मत वाले हैं तो वो बड़ी मत वाले ब्रह्मात्माएं, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म के चरणों को ग्रहण किया है अरस के तन जो मोमिन जाके किया असलाह का निष्वत तो ब्रह्मात्माएं जिनका असली तन परम धाम में है तो उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से ही है एक काम किया सब हुक्मे अबल बीच आखरत ये सब बताने का समझाने का ब्रह्मात्माओं को माया में रहते हुए भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को ग्रहण करने का सौभाग्य दिलाया ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश ने शुरू से लेकर के अंतिम तक अबल बीच आखरत हक अब का द्वार खोलिया महामत ले आए निश्वत अब अखंड के द्वार खोल दिए गए हैं और महामती इन पूर्ण ब्रह्म के संबंधित आत्माओं को अपने धाम में जागृत कर रहे हैं इस प्रकार यहाँ पर चरण कमल के माध्यम से जागृत करने की बात कही है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय महामत ले आए निस्वत